कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से 6 मई से लेकर 17 मई को सुबह 6 बजे तक लगाए गए 10 दिन के कोरोना कर्फ्यू के तहत बिलासपुर जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। खास बात ये है कि सुबह के समय दुकान खोलने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जबकि बंद करने के लिए दोपहर 2 बजे का समय तय है। इसके साथ ही धारा 144 के तहत 5 से अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं होंगे। सरकार द्वारा निर्धारित जरूरी सेवाओं और खेती निर्माण कार्य व इंडस्ट्रीज में कार्यरत कर्मचारियों को आईडी प्रूफ के आधार पर आवागमन की अनुमति होगी। कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन के लिए भी अनुमति रहेगी। ये खुलासा बचत भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधीश रोहित जम्बाल ने किया है। उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी। ऐसे में कोरोना कर्फ्यू के बीच बीमारी की स्थिति में या फिर बहुत ही जरूरी है तभी घर से बाहर निकलें। उन्होंने बताया कि 10 दिन की अवधि में सरकारी व प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे और सिनेमा हॉल, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, जिम, थिएटर और शराब ठेके व अहाता इत्यादि बंद रहेंगे। इसके साथ ही हेल्थ सर्विसेज, बैंक, एटीएम और लोन क्रेडिट एजेंसीज खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, बिजली, पानी, डीटीएच सहित अन्य जरूरी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। वहीं डेली नीड्स, दूध, दही, ब्रेड, सब्जियां और ग्रोसरी शॉप्स के अलावा होटल, रेस्तरां व ढाबा इत्यादि सरकार की एसओपी के तहत खुले रहेंगे। इस बीच यदि कोई दुकानदार लोगों को जरूरी सेवाओं की आपूर्ति घर घर या होम डिलीवरी करना चाहते हैं तो वे भी कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के बीच प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पत्रकार रिपोर्टिंग के लिए जिला के भीतर अपने आईडी प्रूफ के आधार पर कहीं भी आ जा सकेंगे। रोहित जम्बाल के अनुसार कंस्ट्रक्शन कार्य में जुटे मजदूरों के लिए भी कोई पाबंदी नहीं होगी। जिस कंस्ट्रक्शन कार्य में लगे हैं वहां पर कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई आईडी प्रूफ होना अनिवार्य है। इसके साथ ही भारत सरकार के प्रमुख कार्यालय भी खुले रहेंगे। वर्किंग सरकार की ओर से जारी एसओपी के तहत जारी रहेगी। इसी प्रकार जिला प्रशासन के अधिकारी भी जन समस्याओं और कोरोना परिस्थितियों से निपटने के मद्देनजर ड्यूटी पर कार्यरत होंगे। वहीं नगर परिषद, पुलिस व होमगार्ड इत्यादि की सेवाएं भी यथावत जारी रहेंगी। परिवहन सेवाएं 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी। लोगों को कोरोना कर्फ्यू के बीच कोई भी परेशानी आड़े ना आए इसलिए परिवहन सेवाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि वन विभाग व आग नियंत्रण कार्यालय सरकार की एसओपी के तहत खुले रहेंगे। बाहर से आने के लिए ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना कर्फ्यू के बीच सरकारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें ताकि बढ़ते संक्रमण के खतरे से निपटा जा सके। कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, उसके मद्देनज़र प्रदेश सरकार ने जो है 7 तारीख सुबह 6 बजे से लेके और 17 तारीख की सुबह 6 बजे तक पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का जो है निर्णय लिया है। और इसी कड़ी में बिलासपुर प्रशासन ने भी जो है अपनी जो पिछली जो डायरेक्शंस थी उसमें फेरबदल किया है। बिलासपुर ज़िले में भी कोरोना कर्फ्यू कल सुबह 7 तारीख के 6 बजे से लेके 17 तारीख की सुबह 6 बजे तक जो है लागू रहेगा। इस दौरान जो हैं जो लोग अपनी वैक्सीनेशन कराने या अपना कोविड टेस्ट कराने जा रहे हैं उन पे कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, वो पहले की तरीके से जा सकते हैं। सरकारी जो ऑफिसेज हैं वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, सिर्फ कुछ एक जो हेल्थ सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी, जल शक्ति विभाग, ये जो मुख्य विभाग हैं ये रहेंगे। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, तो मनरेगा के तहत जितनी अब वो हो रही हैं वर्क, कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के वर्क हैं या और बड़े हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का वर्क है, AMC, ये सब चलते रहेंगे। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी जो हैं वो भी चलती रहेंगी एसओपी की नियमों की अनुपालना करते हुए। बाजार, मॉल्स, जिमनेजियम, ये सभी जो हैं बंद रहेंगे। सिर्फ जो हैं आवश्यक वस्तुएं जो हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे दूध, अंडे, ब्रेड, सब्जियां, मीट वगैरह इत्यादि की दुकानें, ये सब जो हैं प्रतिदिन खुलेंगी, पर ये 2 बजे ये भी पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगी। तो
मुख्यतः 2 बजे के बाद से बाजार पूर्णतया जो हैं बंद होंगे। 6 मई से लेकर 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा और इस बीच जरूरी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। हर दिन दोपहर 2 बजे बाजार बंद होगा। सुबह के समय जरूरी सेवाओं की दुकानें खोलने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करने की जरूरत है।